वेंसडे के एपिसोड 6 के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि वेंसडे सियांस करके गुडी की स्पिरिट को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मॉर्टिशा ने वेंसडे को बताया था कि गुडी ही उसे उसके विजन्स को कंट्रोल करना सिखा सकती थी। वेंसडे का सेशन इनिट के कारण इंटरप्ट हो जाता है। तभी उनके रूम में कोई मैगजीन कटआउट्स में एक मैसेज भेजता है कि अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में आधी रात में मिलना। इनिट भी वेंसडे के साथ में चलती है। अंदर वेंसडे के फ्रेंड्स ने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई थी जिसमें थिंग भी शामिल था। वेंसडे इस सब से डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसे पार्टीज पसंद नहीं थी। वेंसडे को वहाँ फायरप्लेस में लिखा दिखता है, फायर विल रेन व्हेन आई विल राइज। वेंसडे को याद आता है कि लॉन में इसी फ्रेज के फर्स्ट पार्ट को आग से लिखा गया था। उसे छूते ही वेंसडे को एक विजन दिखता है। गुडी उसे कहती है कि तुम मेरी ब्लड लाइन में रेवन हो। गुडी उसे एक गेट दिखाती है। वो कहती है कि क्रैकस्टोन को रोकने के लिए तुम्हें ये जगह ढूंढनी होगी। बाद में रूम में वेंसडे उस गेट की ड्राइंग बना रही थी। थिंग मॉर्टिशा और गोमेस के प्रेजेंट वेंसडे को देता है। इनिट ने भी वेंसडे के लिए एक प्रेजेंट ला रखा था। उधर लरिसा मेयर से मिलकर उसे उस व्यक्ति को ढूंढने को कहती है जिसने फायर विल रेन वाला मैसेज उनके लॉन में लिखा था। मेयर कहता है कि हम उस आदमी को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं जो रीसेंट अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही मेयर कहता है कि कहीं ये तुम्हारे स्कूल में से ही कोई स्टूडेंट तो नहीं। लरिसा नेवरमोर के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। उधर स्कूल में जेवियर वेंसडे से जानना चाहता था कि उसे क्रैकस्टोन के क्रिप्ट में क्या विजन दिखाई दिया। वेंसडे को अभी भी लगता था कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर है जो लोगों को मार रहा है, सो वो उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। जेवियर कहता है कि जब भी वेंसडे को उसकी ज़रूरत हो तो उसे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। उधर दूसरी ओर बियांका ल्यूकस को उनके स्कूल में कम्युनिटी वर्क करते देखती है। ल्यूकस को लरिसा ने स्टूडेंट्स के रेवन डांस की पार्टी को खराब करने के लिए पनिशमेंट दी थी। बियांका नोटिस करती है कि ल्यूकस ने बियांका की मॉम की कंपनी का ब्रेसलेट पहन रखा है। बियांका उसे वार्न करती है कि ये सेल्फ हेल्प ऐप एक फ्रॉड है, सो उसे इस ऐप को अपने फ़ोन से डिलीट कर देना चाहिए। ल्यूकस जाते वक्त बियांका को उसके साथ डेट पर चलने को कहता है। उधर वेंसडे यूजीन से मिलने जाती है। वहाँ उसे डॉक्टर किम्बॉट मिलती है जो यूजीन को देखने आई थी। यूजीन की मॉम ने डॉक्टर किम्बॉट को उसका ख्याल रखने को कहा था क्योंकि वो दोनों किसी ज़रूरी काम से जा रही थी। डॉक्टर किम्बॉट वेंसडे से बात करने की कोशिश करती है पर वेंसडे बिल्कुल भी फ्री का थेरेपी सेशन करने के मूड में नहीं थी, सो वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। अपने ऑफिस में मेयर अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत गैरेट गेट्स की बहन लॉरेल गेट्स की डेथ का सर्टिफिकेट लंदन से रिसीव करता है। मेयर लॉरेल की डेथ को लेकर सस्पिशियस था, साथ ही वो ये जानना चाहता था कि कहीं लॉरेल इस सब के पीछे तो नहीं है। वेंसडे टाइलर से मिलने कैफे में जाती है। टाइलर वेंसडे को डेट पर इनवाइट करता है ताकि दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। वेंसडे के पास इस सब के लिए समय नहीं था, सो वो टाइलर के ऑफर को पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। फिर वेंसडे टाइलर को उस गेट की पेंटिंग दिखाती है जो गुडी ने उसे विजन में दिखाया था, मगर टाइलर उस जगह को नहीं पहचानता था। शेरिफ जब कैफे में आता है तो वेंसडे उसे क्रैकस्टोन के क्रिट में लिखी फायर विल रेन वाली बात को बताती है, मगर शेरिफ को उस बात में कोई कनेक्शन नहीं दिखता। फिर वेंसडे जेवियर से मिलने जाती है, उसे वो ड्राइंग दिखाती है। जेवियर उसे अपना एक ड्राइंग दिखाता है जो उसने इसी सेम जगह का ड्रॉ किया था। जेवियर बताता है कि ये पुराना गेट्स मैंशन का मेन गेट है। उतने में थिंग एक पिक्चर के ऊपर से कपड़ा हटा देता है और हम देखते हैं कि जेवियर ने वेंसडे की चेलो प्ले करते हुए एक पेंटिंग बनाई थी। जेवियर अपनी पावर से उस पेंटिंग को चेलो प्ले करवाता है और वेंसडे स्पीचलेस हो जाती है। उधर टाइलर के कैफे में बियांका और ल्यूकस मिलते हैं। दोनों काफ़ी देर बातें करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन है। वेंसडे अगले सुबह ओल्ड गेट मैंशंस पर पहुँचती है और देखती है कि मेयर बिल्डिंग के बाहर निकल रहा था। मेयर शेरिफ को कॉल करके बताता है कि शायद मुझे पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। वो शेरिफ को कैफे पर मिलने के लिए बुलाता है। वेंसडे और थिंग उसकी गाड़ी की डिक्की में छुप जाते हैं। मेयर जैसे ही कैफे से बाहर अपनी गाड़ी से निकलता है तो एक ब्लू कैडिलक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है। गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था जिस कारण शेरिफ उसे पकड़ नहीं पाता। मेयर बुरी तरह घायल हो गया था और वेंसडे ये सब देखकर उसकी कार से बाहर निकल जाती है। शेरिफ जब वेंसडे से पूछता है कि वो मेयर की कार में क्या कर रही थी तो वेंसडे उसे सब सच्चाई बताती है कि ये सब गेट्स फैमिली से कनेक्टेड है। शेरिफ उसकी बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके हिसाब से पूरी फैमिली मर चुकी थी। प्रिंसिपल लरिसा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि जब भी कोई मिसहैप होता है वेंसडे वहाँ पे प्रेजेंट होती है। लरिसा पूरे स्कूल में लॉकडाउन लगा देती है, साथ ही वो वेंसडे की ऑफ कैंपस प्रिविलेजेस को रिवोक कर देती है। बाद में मिस थॉर्नहिल वेंसडे को कंफर्ट करने उसके रूम में आती है। वो उसे खुश करने के लिए फ्रैंकनस्टाइन की बुक भी उसे देती है।
मिस थॉर्नहिल वेंसडे को कहती है कि वो इसी तरह प्रिंसिपल के ऑर्डर्स को डिफाई करते रहेगी तो हो सकता है प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकाल दे। फिर वेंसडे टाइलर को कॉल करती है कि मैंने तुम्हारे ऑफर को रिकंसिडर किया है। वेंसडे उसे बर्थडे पार्टी में शाम को 8 बजे गेट के बाहर मिलने को कहती है। शेरिफ दोनों की बातें सुन लेता है और टाइलर को वेंसडे से दूर रहने को कहता है। उधर वेंसडे इनेट को भी अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लेती है। इनेट को नहीं पता था कि टाइलर भी साथ जाएगा या ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दोनों स्कूल से बाहर निकलती हैं जहाँ टाइलर उन्हें पिक करता है। टाइलर डिसअपॉइंट होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो फाइनली वेंसडे के साथ डेट पर जा रहा है। इनेट भी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि उसे लगा था कि वो दोनों गर्ल्स नाइट आउट के लिए जाएंगी। उधर स्कूल में जेवियर को पता चल जाता है कि वेंसडे इनेट को लेकर कहीं गई है। वो थिंग से पूछता है कि वेंसडे कहाँ गई है। गेट्स मैंशन में तीनों घर को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। वो डिस्कवर करते हैं कि लॉरेल गेट्स के रूम को किसी ने साफ कर रखा है। ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ कोई रह रहा हो। जिससे पहले वो आगे इन्वेस्टिगेट कर पाते इनेट और वेंसडे को टाइलर की चीखें सुनाई देती है जो उन्हें मॉन्स्टर के लिए वॉर्न कर रहा था। मॉन्स्टर वेंसडे और इनेट को पूरे घर में चेज करता है। उसे बचते हुए दोनों बेसमेंट में पहुँचती हैं। बेसमेंट में उन्हें वो सारे बॉडी पार्ट्स प्रिजर्व्ड मिलते हैं जिन्हें मॉन्स्टर एज ट्रॉफीज कलेक्ट कर रहा था। दोनों मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकलती है। फिर वो घर की ओर टाइलर को बचाने जाती है। टाइलर जिंदा था मगर उसे मॉन्स्टर के क्लॉज से चोट लग गई थी। उसी वक्त जेवियर भी वहां पहुंचता है और उनकी हेल्प करता है। वो लोग उसे घर ले जाते हैं जहां पर वेंसडे उसकी फर्स्ट एड करती है। शेरिफ घर आता है तो वो वेंसडे को इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कहता है। वेंसडे शेरिफ को गैरेट्स मेंशन के बेसमेंट में ले जाती है मगर तब तक किसी ने पूरा बेसमेंट खाली कर दिया था। ना ही वहाँ मॉन्स्टर था ना ही विक्टिम के बॉडी पार्ट्स। शेरिफ को लगता था कि वेंसडे उससे झूठ कह रही है। वो वेंसडे पर नाराज होता है कि उसके कारण आज टाइलर की जान जाने वाली थी। वो वेंसडे को टाइलर से दोबारा मिलने से मना कर देता है। उधर स्कूल में प्रिंसिपल वेंसडे को डांटती है क्योंकि वेंसडे बार बार रूल्स को तोड़ रही थी। वेंसडे ललिसा को रोवन की मदर की प्रोफेसी के बारे में बताती है। साथ ही वो रोवन की मदर की बनाई हुई पेंटिंग भी उसे दिखाती है। वेंसडे लरिसा से एक फाइनल चांस मांगती है। लरिसा उसे लास्ट वार्निंग देकर वहां से निकल जाती है। जब वेंसडे अपने रूम में पहुंचती है तो वो इनेट को अपना सारा सामान पैक करते हुए देखती है। इनेट वेंसडे से नाराज थी कि वो इनेट को ट्रिक करके अपने साथ ले गई और वेंसडे के इस ऑब्सेशन के कारण आज इनेट मरते मरते बची। इनेट जाते हुए वेंसडे से कहती है कि अब तुम अपना अकेलापन एंजॉय कर सकती हो। वेंसडे को पहली बार लाइफ में अकेलापन अखर रहा था। वो कोने में बैठकर एक ओल्ड म्यूजिक बॉक्स टॉय को देख रही थी जिससे उसने लॉरेल गेट्स के रूम से उठाया था। उस बॉक्स में वेंसडे को अपनी और अपनी फैमिली की कुछ पिक्स मिलती है। वेंसडे को समझ आ जाता है कि कोई चोरी से उस पर नजर रखे हुए हैं। फिर सीन हॉस्पिटल के दिखाया जाता है जहां कोई शख्स मेयर के रूम में जाकर उसे मार डालता है। लास्ट सीन में वेंसडे अपने स्टॉकर के लिए मैसेज छोड़ती है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। इसके साथ ही वेंसडे का 6th एपिसोड एंड हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय। Thank you.